हिंदुस्तान जिंक बैटरी चालित खनन वाहन का उपयोग करने वाली देश की पहली खनन कंपनी बन गई है जहां इलेक्ट्रिक वाहन धीरे धीरे लोगों के घरों में जगह बनाने लगे हैं वही अब लगता है कि उन्होंने भारत में खनन क्षेत्र का ध्यान खींचा है हिंदुस्तान जिंक एक भारतीय खनन कंपनी ने अपना पहला बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन बेव अपने खनन वाहनों के बेड़े में शामिल किया है अपने उद्योग में भी पहली बार नॉर्मेट यूटी में एक एमएफ पांच सौ ट्रांसमिक्सर स्मार्ट ड्राइव ईवी कहा जाता है इसे कंपनी की सिंधेसर खुर्द खदान में तैनात किया गया है यह अपने संचालन के लिए चार पहिया ड्राइवर ट्रेन में दोहरी मोटर सेटअप के साथ नब्बे के डब्ल्यू एच बैटरी पैक का उपयोग करता है और इसका आउटपुट दो सौ बहत्तर पी एस संयुक्त है नॉर्मेट की बी की गति बीस किलोमीटर प्रति घंटा है और यह तीस किलोमीटर तक जा सकती है इस बैटरी पैक को तेज डीसी चार्जर का उपयोग करके 40 मिनट में शून्य से 80 प्रतिशत तक रिफिल किया जा सकता है संदर्भ के लिए जगुआर आईपेस उसी क्षमता के बैटरी पैक का उपयोग करता है जो 470 किलोमीटर की दावा की गई सीमा प्रदान करता है और इसके इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में चार सौ का संयुक्त आउटपुट है भारत में खनन की प्रक्रिया वायु प्रदूषण के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है जिसमें डीजल से चलने वाले खनन वाहनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इन वाहनों को बिजली से चलने वाले वाहनों में बदलने से शून्य उत्सर्जन डिकार्बोनाइजेशन हासिल करने और कम परिचालन लागत के साथ उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी इस मुद्दे पर काम करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने अपने बेड़े में नॉर्मेट के स्मार्ट ड्राइव इलेक्ट्रिक माइनिंग वाहनों को शामिल करने की योजना बनाई है जिसमें एक विस्फोटक चार्जर और एक कंक्रीट स्प्रेयर शामिल है जो दोनों समान नब्बे केडब्ल्यू बैटरी पैक का उपयोग करते हैं कंपनी अगले पांच वर्षों में अपने सभी डीजल संचालित खनन वाहनों 900 विषम को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने की भी योजना बना रही है जिसमें एक बिलियन अमरीकी डॉलर टिल्ड आठ एक करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा